अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे सूरज आज नहीं निकला, आप देख सकते हैं हर जगह आज बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला और धूप में नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे पेट्स को जो है धूप नहीं मिल पाई। देख सकते हैं कितना बिल्कुल कोने कोने में घुस के बैठे हुए, तो जिसकी वजह से इनको जो है अभी धूप नहीं मिल पाई है। तो इनको जो है अभी खोल दे रहे हैं थोड़ी देर में, तो बाकी जो है सबको देख लेते हैं इधर और सबको जो है दाना पानी डाल देते हैं और ताकि वो अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि अभी नए नए सबके बच्चे निकले और एक तो इसके भी निकले हैं, इसके भी निकले हैं, इसका तो एक बच्चा दोस्तों मर गया था, वो मैंने आप लोगों को कल पिछले ब्लॉग में दिखाया भी है। और बाकी देख लेते हैं किसी ने अंडे दिए या बच्चे बच्चे निकले तो हम देख लेते हैं। बाकी एक हवा इधर नज़र मार लेते हैं इधर क्या चल रहा है। तो ये मैं हटाता हूँ, ये कपड़ा हटाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी सब बैठे हुए हैं, ये भी अपने अंडों को इन्क्यूबेट कर रहे हैं और ये भी इधर ही बैठे हैं। मतलब इसने मतलब इधर मेरे ख्याल में किसी ने अंडा दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठे हुए, तो एक दफ़ा देख लेते हैं किसी ने दिया हुआ है तो सही है, वरना इनको बैठे रहने देते हो सकता हो कुछ टाइम बाद दे दे या दे दिया हो, तो पहले देख लेते हैं इधर। नहीं दोस्तों इधर तो कुछ भी नहीं है अंडा वंडा, और हो सकता हो देने वाली हो या देने वाली होगी, अभी तो है नहीं इधर, तो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, हो सकता हो इधर कोई अंडा वंडा दे दे, हो सकता हो ब्रीड ब्रीड आ जाए। बाकी जो है इन सबके मैं दाने वाले बर्तन जो है इन सबके साफ साफ करता हूँ और इनको साफ दाना पानी और डालते हैं। और बाकी जो है इसका वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है जो हमारा है, उसको अभी हम फेंक दे दफना देते हैं उसको। और माशाल्लाह से इनके बच्चों को भी अब हमें अलग करना है, और माशाल्लाह ग्रोथ तो थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन सही हैं। और ये देख सकते हैं हमने, ये हमारे पुराने गुब्बारे वाले बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर सही हैं, इसने भी माशाल्लाह दूसरा अंडा दे दिया। बाकी जो है इसके बच्चों की थोड़ी ग्रोथ हल्की हो रही है लेकिन सही है, मतलब खिला विला सही रही है। बाकी जो है इसने भी अंडे दिए हुए दोस्तों, इसके बच्चे निकले नहीं, देख सकते हैं अंडों में बैठी हुई ये दोस्तों, एक अंडों में बैठी हुई थी और देख सकते हैं एक अंडे में बैठी हुई, अभी तक तो एक अंडे में बैठी हुई देख सकते हैं आप। तो बाकी अभी तो किसी ने अंडा अंडा दिया नहीं है। और बाकी जो है सबसे पहले दाना पानी के बर्तन साफ करते हैं और सबको ताज़ा दाना पानी डालते हैं, सही है। कबूतरों को खोल लेते हैं ताकि अपना थोड़ा घूम फिर लें, उड़ उड़ लें, तो बच्चों वालों को नहीं खोलेंगे, सिर्फ जो उड़ने वाले हैं उनको खोल देते हैं ताकि अभी थोड़ा उड़ उड़ भी लें, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सर, तो इनको खोल देते हैं। बच्चों वालों को नहीं खोलेंगे, बच्चे जिनके हैं मतलब जिनके जो जो निकलते जाएँ वो आते जाएँ, तो पहले मैं इनको निकाल लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो वैसे देखें सब उड़ते के साथ ही उड़ते जा रहे हैं, लेकिन सारे उड़ भी गए, लेकिन सब उड़ भी रहे हैं हल्के हल्के, तो इनको अभी नीचे उतारते हैं क्योंकि इनको उड़ाते हैं हम बहुत कम है, और क्योंकि सारे बच्चे हैं ना इधर, मतलब सारे हमारे घर के बच्चे हैं, तो इसलिए उड़ाते भी अब कम है, खुद ही उड़ते हैं तो सही है वरना उड़ाते नहीं है। तो इनको अभी बाहर निकलने देते हैं फिर सबको दाना पानी डालते हैं। जो आज जो है ना सब पिजन्स की जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। और माशाल्लाह जितने यहाँ पे बच्चे हैं, जितने भी इस बड़े वाले पिंजरे में माशाल्लाह जितने भी कबूतर हैं ना, वो सारे हमारे इस पिंजरों के बच्चे हैं, मतलब इन जितने भी पेयर हैं ना उन सब के बच्चे हैं। इसमें से हमारे बहुत सारे पेयर मरे भी हैं, तकरीबन तीन पेयर इसके मरे हैं बच्चों के, तीन इसके मरे, दो तीन इसके मरे हैं, दो इसके मरे हैं, इतने मरे हैं माशाल्लाह, दो इसके मरे हैं अस्तगफुरुल्लाह, क्या नाम है, इतनी बीमारी पता नहीं, समझ में नहीं आई कि कैसी बीमारी आई जिसकी वजह से इतने सब कबूतर हमारे मरे कि हमें पता भी चला कौन कौन से मरे। तो बाकी अभी जो है सबको दाना पानी डालते हैं क्योंकि मैंने गलती से जो है ना बच्चे भी खोल दिए हैं और ये उड़ रहे हैं, तो अगर ये घूम हो गए ना फिर मसला हो जाता है। तो खैर अभी जो है मैं आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ और सबको फिर दाना पानी डालता हूँ। पहले इस पिंजरे से मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस इन लोगों की, तो मैं आप लोगों को पहले गेट खोल के दिखा देता हूँ उसको। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये हमारा गुब्बारे का पेयर है और माशाल्लाह इसके दो बच्चे भी हैं और माशाल्लाह इसने अंडे भी दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से अंडे ख़राब हो गए हैं तो, लेकिन माशाल्लाह इनके बच्चे देख सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम बराबर वाले पेयर की तरफ, तो इस तरफ पहले इसका पिंजरा बंद कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब इस पेयर की तरफ आ जाते हैं, तो माशाल्लाह इसका जो है अभी जो है इसने ब्रीड करी थी तो इसका एक बच्चा निकला है, और इसकी जो पिछली ब्रीड आई थी उसके बच्चे ये हैं माशाल्लाह अभी अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। और दोस्तों जो इनकी ब्रीड आई थी वो हमने उस पिंजरे में डाल दिया, देख सकते हैं सब अभी दाना पानी खा रहे हैं, और तो इसकी अभी वापसी से ब्रीड आई है, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी दफ़ा माशाल्लाह से इसकी ब्रीड आई है, और फिर ये वाला पेयर आता है। तो दोस्तों इसे हमारे पास तीन चार दफ़ा ब्रीड करी है जिसमें से इसके सारे बच्चे हमारे पास मर चुके थे, और माशाल्लाह काफ़ी टाइम पर इसकी ये ब्रीड आई है, और मैं आप लोगों को पहले एक दफ़ा सही से दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं ये ब्रीड आई है। और फिर इसके नीचे आ जाते हैं ये तो हमारे खैर घर का ही बच्चा है, ये वाला जो है ब्राउन वाला मेल, ये हमारा घर का ही बच्चा है, और माशाल्लाह इसकी भी चौथी दफ़ा ब्रीड आई है, और इसका एक बच्चा तो हमारे पास है, और इसकी ये इस दफ़ा की जो क्लच है वो ये रहा, और इसके भी बच्चे मरे हैं कम से कम, इसके भी दो तीन बच्चे मरे हैं। और फिर जो है ये अभी जो हम नया पेड़ लगवा रहे हैं, इसके अभी तक दोनों में से अभी तक किसी ने भी ब्रीड नहीं की है, इसका तो पेड़ नहीं लगा, इसका पेड़ लग गया,
हो सकता है काफी टाइम बाद थोड़े टाइम बाद जो है ब्रीड दे दे, बाकी जो है बराबर में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसने माशाल्लाह माशाल्लाह से फर्स्ट ब्रीडिंग करी थी जिसमें एक बच्चा निकला था, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और जो है इसने माशाल्लाह दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा अंडे दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा में ख़राब हो गए थे तो इसने वापसी से अंडे दिए हैं। और दोस्तों इसका जो है हमारे ब्लैक वाले के साथ प्यार था जो बीमार है उधर, तो जिसको हमने इसके साथ लगाया था, इसकी फीमेल उड़ गई थी तो हमने जो है ना इसके साथ फिर जो है ना इसका पेड़ लगा दिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने भी अंडे दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो इसके भी इसका तो हमने याले याले मेल जो है हमारे पास पूरा साल ब्रीड करी है दोस्तों, पूरा साल ब्रीड करी है। तो बस हमारे पास अभी ब्रीडिंग के इतने पेयर हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रोग्रेस दिखा दिया। तो आप लोगों को कैसी प्रोग्रेस लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। अब मैं आप लोगों को जो है इधर से बच्चे दिखा देता हूँ कि बच्चे इस दफ़ा के कौन कौन से। दोस्तों ये एक बच्चा है हमारा, ये अंदर जा रहा है, ये एक बच्चा है हमारा, ये आ गया, ये एक बच्चा है दोस्तों हमारा, और दोस्तों ये दोनों हमारे बच्चे हैं दोस्तों। और कौन कौन से बच्चे हैं हमारे, ये जो जितने भी खाल आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये वो है, ये सारे माशाल्लाह। वो शराजी का बच्चा जो आप लोगों को कह रहा था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे हैं, इसमें बस दो तीन कबूतर हैं जो हमने अभी पकड़े थे कुछ टाइम बाद ना, वो है बस। बाकी आप लोगों कैसी भी हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखी, तो हमारे पिजन्स की कैसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये दाना देखा है तो खत्म है, तो मैं लेकर आता हूँ दाना। तो इस ब्लॉग को ये सेंड कर दें, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।